अब तो सामान्यतः देश में आम सहमति है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर राम जी का भव्य मंदिर बने। अब केवल इतना भर बचा है कि उसकी पद्धति तरीका क्या हो। मेरा अपना अनुभव कहता है कि संवाद निष्फल होता है, क्योंकि उसमें कई बार नियत पक्का नहीं रहता बातचीत का। दूसरा, मुझे लगता है कि न्यायपालिका के बूते के बाहर की चीज़ है। अभी हाल का ही आप देखेंगे तो 2010 में हुआ था हाईकोर्ट का निर्णय, उसके बाद 1 लाख पेज डॉक्यूमेंट का आना दिल्ली, 5,000 पेज का जजमेंट की फाइल आना दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद होना, फिर उसमें और कोई पक्षकार है नहीं है पर फैसला होना, उसके बाद 3 मिनट में जनवरी में सुनवाई होगी, बेंच भी तब बनेगा, कब सुनवाई होगी कोई ठिकाना नहीं। ये न्यायपालिका का रवैया देखिए पिछले 8 साल का है, तो इस लिहाज से चलेंगे तो पता नहीं कब होगा। जबकि कुछ ज़्यादा सोचने करने का विषय बचा नहीं है मेरे हिसाब से। 1993 में जो जमीन अधिग्रहण किया था और कुछ राइडर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में स्वीकृति दी थी अधिग्रहण की, उसी अधिग्रहण को आधार बनाकर सरकार पक्षकार बने, और पक्षकार होते हुए 2014 के राइडर्स में थोड़ा संशोधन करे, 1994 के बाद की 2 घटनाएं विशेष महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है ये निर्णय आना, और दूसरा भी इसी तरह से विषय होना कि जमीन अधिग्रहण जायज हो गई है। ऐसी स्थिति में पब्लिक ही रेफरेंस दे करके अगर न्यायालय को सूचना दे केंद्रीय सरकार पक्षकार होने के नाते कि वो ज़मीन तो हमारी है, बाकी लोग व्यर्थ में हुज्जत कर रहे हैं, और राइडर में जो एक्सकेवेशंस का एक विषय था और नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है ये निर्णय, ऐसी तो 2 बातें हैं, इनको मिलाकर अगर बिल में संशोधन आ दिया जाए और अध्यादेश भी जारी किया जाए तो मेरा अनुमान है कि मंदिर निर्माण का रास्ता खुल जाए। आपने भी पीएम को और मोहन भागवत को जो पत्र लिखा था, उस पत्र का कुछ जवाब आया, क्या हुआ उसका? नहीं, उन तक बात पहुंच गई है इतना मुझे मालूम है, और हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं मानता हूं लोकतंत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का भी अपना महत्व है, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता ही है। लोक चेतना, लोक समझ और लोक सहभाग। बनारस में धर्म संसद होने जा रहे हैं जी। जी, तो क्या इस पे मुद्दा उठेगा राम मंदिर का, कोई निर्णय मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी के जो माहौल है उसमें तो विषय तो उठेगा जरूर। बीजेपी क्यों नहीं अध्यादेश लाने के पक्ष में दिख रही है? उनसे पूछने लायक बात है, हम कयास क्यों लगाएं? आप तो सक्षम है उनसे पूछने में। योग गुरु रामदेव कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर देश का माहौल बिगड़ सकता है। देश का माहौल तो बना है, बिगड़ने की कहां बात आती है। देश को किस दिशा में जाना चाहिए, राम राज्य की तरफ जाना चाहिए, इस दिशा में तो माहौल इससे बना है भाई। काशी की बात करें तो यहाँ पे संघ प्रमुख हैं, और उसके बाद हम संसद का होने जा रहा है, और कल सुब्रमण्यम स्वामी आ रहे हैं, तो क्या काशी को इस बार केंद्र बनाया जा रहा है राम मंदिर के लिए? मालूम हमको, अभी हमने भी देखा, मैंने होर्डिंग देखा, डॉक्टर स्वामी आने वाले हैं, अब कल ही उनसे भेंट भी हमारी हुई थी, राम जन्मभूमि के बाबत भी बात हुई थी और भी बातचीत हुई थी। क्या बोलूं? वो तो देशभक्त हैं, चाहते हैं मंदिर बने, जल्दी बने, कोई देर नहीं चाहता है, सब लोग अकुल आ गए हैं। क्या लगता है फिर भी देरी हो रही है? हम कैसे बताएं, बखत बखत का बात है।